नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और रतन नोरा और एक्टर वाइस का धमाल लाया हूं पूरा के पूरा। उस एक्टर वाइस में आपके सामने आइटम पेश करने वाला हूं, शेरो शायरी पेश करने वाला हूं। देखना है, मजे लेना है, चलो आओ। क्या हुआ प्रमिला उदास? क्यों हो तुम बनी आज पंकज उदास? लिसन, मेरा मूड बहुत खराब है क्योंकि मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता। भाई यहाँ तक तारीफ की बात है, जावेद साहब से कहते तो तारीफ है, तारीफ तारीफ है, तारीफ तारीफ है, तारीफ निकल दी जाएगी। यकीन मानना मेरे पास बहुत सारी चीज है। सही चीज हो तो जावेद मियाँ गा देगा और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देगा। ये तरीका है, तो क्या चाहिए तुम्हें बताओ? ये बता। बिल्कुल इनकी आवाज में मत बोलिए। हाँ? क्योंकि इनको सुनकर तो मैं और उदास हो जाऊंगी, पंकज उदास से भी ज्यादा उदास। भाई कमाल कर दिया, ये इस तरह से मुझे डांटती है। परसों इसके चक्कर में मुझे 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ा। हाँ? कैसे? ये बता। भरे रोड में मुझसे कह रही थी कि गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो, गुस्सा थूक दो। मैंने जहाँ थूका वहाँ लिखा हुआ था यहाँ थूकना मना है। ओह नो, 1000 रुपए का फाइन पड़ गया। तब से मैं फाइन नहीं हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। चलो कोई बात नहीं, बात माहौल का बदलते हैं रुख और आज तुम्हारे सामने तारीफ करने के लिए लाते हैं अपने अंदर शाहरुख। तैयार हो? तैयार होना ही पड़ेगा, सुनाइए। अरे कोई कोई ऐसी बंद करो भाई, अरे अरे कोई ऐसी बंद करो, मैं शाहरुख खान से एक एंगल हो गया हूँ। एक शेर इस शेर नहीं पर फेंक रहा हूँ। तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। अरे जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। नवाज सुनाइए। बहुत दुख है तोरा मैं, बहुत दर्द है तोरा मैं, माँ का बाप का भाई का सब का कसम खा के है नवाजुद्दीन शेरो शायरी सुनाएगा आज के दिन। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। कभी कभी लगता है शेरो शायरी का भगवान अभी अपने सेक्रेट गेम। ये जुल्फे तुम्हारी या रेशम का जाल, माँ कसम ये जुल्फे है तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ नवाजुद्दीन और सुनील पाल। अजय देवगन सुनाइए। बहुत हो गई, आपको हंसाने के लिए आ गया एडी। एडी मतलब अजय देवगन। एडी अजय देवगन। कल तक वो कहती थी मैं तुम्हें चाहोगी युगो युगो, कल तक वो कहती थी मैं तुम्हें चाहोगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। झूठ पड़ता सही है मुझे, जबा कैसरी और आवाज भी सुरी। नमस्ते देवी जी, मैं आपका पेटी पंकज त्रिपाठी, आपका सच्चा सहपाठी। जरूरी नहीं कि आपको बचाने आया, जरूरी नहीं आपको हंसाने आया, जरूरी है कि आपके दिल में घर बसाने आया। फ्रॉम बहुत दूर मिर्जापुर। आपको आपकी तकलीफ का दर्द का बलिदान करना पड़ेगा। सुन लीजिए, 100% तकलीफ और दर्द का बलिदान करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर सुन लीजिए, हमको आपका कन्यादान करना पड़ेगा। चलिए वाह वाह बोल दीजिए। शुद्ध शाकाहारी शेर था, शुद्ध ऐसा शेर जिसने कभी मांसाहार खाया ही नहीं। चलिए वाह वाह बोल दीजिए। देवी जी हमारे पिताजी कहा करते थे, जिसने शेर व शायरी पे वावा नहीं किया वो मनुष्य योनि में जन्म ही नहीं लिया। वावा कीजिए ना, कीजिए वावा। ना ना।
इधर तू हाँ हाँ है तो मैं ना ना हूँ, डबल ना, टोटल नेगेटिव। आज मैं तुझे एक ऐसा शेर सुनाऊंगा जो अड़ियल भी है दड़ियल भी है लेकिन सड़ियल नहीं है। बिल्कुल सुन ले मेरा शेर सुन ले। हाँ आलू ले नहीं वो नहीं वो तो थोड़ा एक शेर सुना रहा हूँ अच्छा है फनी है तुझे मजा आएगा। तेरे गम में है बेवफा रात भर पीता रहा, ए कलम वाली भाई सुन। तेरे गम में है बेवफा रात भर पीता रहा, फेफड़े फट के बाहर आए दिन भर सीते रहा। क्यों हंस रही है, शेर अच्छा लगा? नहीं आपके पागलपन पे हंसी आई। मेरे पागलपन पे हंसती है तू? है अब्दुल समझा इसको समझा। आलू ले लो प्याज ले लो।